धन तोरा, अरे भुवन धुनि घोर कटोरा, अरे भुवन धुनि घोर कटोरा, अरे भुवन धुनि घोर कटोरा, अरे भुवन धुनि घोर कटोरा। अजिए लेज चढ़ावत खेचत गाड़े, काहु न लगा दे सब ठाड़े, काहु न लगा दे सब ठाड़े, बैठे हैं। गोस्वामी जी ने चौपाई में कहा, तही छन राम मध्य धनु तोड़ा। तो क्या राम जी ने बीच से धनुष तोड़ा? इसके आपको हम 10 अर्थ बताएंगे। कितने? पहला अर्थ, भगवान राम ने जो धनुष तोड़ा, न इस तरफ तोड़ा सभा में, न उस तरफ, सभा के बीच में धनुष को तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा। भगवान शंकर के 3 धनुष, पिनाक, सारंग और गांडीव, भगवान राम ने न सारंग धनुष तोड़ा, न गांडीव धनुष तोड़ा, मध्य का मध्य पिनाक नाम का धनुष तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा। छन राम मध्य धनु तोड़ा मतलब न आकाश में तोड़ा, न पाताल में तोड़ा, बीच का बीच पृथ्वी पर तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा। तही छन राम मध्य धन तोड़ा, अरे भुवन धुनि घोर कटोरा, तही छन राम मध्य धन तोड़ा, अरे भुवन धुनि घोर कटोरा, अरे भुवन धुनि घोर कटोरा। तही छन राम मध्य धनु तोड़ा मतलब ना पहले वाले परशुराम जी ने तोड़ा, ना बाद वाले बलराम जी ने तोड़ा, बीच वाले राम जी ने तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा। राम मध्य धनु तोरा ऐसा क्यों लिखा? सप्ताह के 7 दिन होते हैं और सप्ताह की शुरुआत सोमवार से होती है। राम जी ने ना सोमवार को तोड़ा, न मंगलवार को तोड़ा, न बुधवार को तोड़ा, न शुक्रवार को तोड़ा, न शनिवार को तोड़ा, न रविवार को तोड़ा। राम जी ने धनुष बीच का बीच गुरुवार को तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी लिखा। राम मध्य धनु तोरा मतलब शरीर की 3 अवस्थाएं प्रमुख होती हैं, एक जवानी, एक बुढ़ापा, एक बालपन। न राम जी ने बालापन में धनुष तोड़ा, न राम जी ने बुढ़ापे में धनुष तोड़ा, मध्य का मध्य जवानी में धनुष तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा। मतलब तही छन राम मध्य धनु तोरा मतलब
राम जी ने धनुष न सुबह तोड़ा न शाम तोड़ा, बीच का बीच दोपहर में धनुष तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा धनु तोड़ा क्यों लिखा, न धनुष राक्षसों ने तोड़ा न देवताओं ने तोड़ा, मानव रूप वाले भगवान राम ने धनुष को तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा दही चंद राम मत धन तोड़ा हरे भुवन धुनि गोर कठोरा, दही चंद राम मत धन तोड़ा हरे भुवन धुनि गोर कठोरा, हरे भुवन धुनि गोर कठोरा। मतलब दही चंद राम मत धनु क्यों लिखा, तीन रंग के लोग वहां पर विशेष बैठे थे, माँ जानकी जी का कनक वरण, लक्ष्मण जी का गौर वरण, हमारे रघुनाथ जी का श्याम वरण। ना तो कनक वरण वालों ने तोड़ा ना गौर वरण वालों ने तोड़ा, बीच का बीच श्याम वरण वाले रघुनाथ जी ने धनुष को तोड़ा है, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा राम मत धनु तोरा। मतलब एक तरफ जानकी जी बैठी लास्ट में, एक तरफ लक्ष्मण जी बैठे लास्ट में, बीच में रघुनाथ जी बैठे, तो ना उधर जानकी जी ने तोड़ा ना इधर लक्ष्मण जी ने, बीच वाले रघुनाथ जी ने धनुष को तोड़ा है, इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा सकल विकल विचार नहीं, ओ दंड कन्ने ओ राम तुलसी जय अति वचन हो जा रही, जय अति वचन हो जा रही, जय अति वचन हो जा रही। भगवान ने धनुष तोड़ा, देवताओं ने कान में हाथ लगा लिए कि इतना तेज टंकार भया, राम जी ने धनुष तोड़ा, जय जयकार हो गई, सब राजा देखते रह गए, और रघुनाथ जी ने राजाओं के मुंह पर तमाचा मार कर धनुष को तोड़ दिया है।